हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं पुष्प के प्रोसेस और मैं हूं पुष्प। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे जीके की जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट जीके अपलोड किए हैं, तो ये एग्ज़ाम से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आने वाले रेलवे एग्ज़ाम में, SSC एग्ज़ाम में। ये तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, पहला क्वेश्चन जो इसमें है वो है गुलाम वंश से। ये गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? फ्रेंड, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी और इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है वो 1206 में हुई थी, 1206 ईस्वी में, और इसकी स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी 1206 में। दूसरा क्वेश्चन है, इब्ने बतूता भारत कब आया था? इब्ने बतूता भारत कब आया था? ये 1333 ईस्वी में आया था। ये अफ्रीकी मोरक्को यात्री है, तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी आता है, ये कहाँ का निवासी है? तो ये अफ्रीकी मोरक्को यात्री था। फ्रेंड, तीसरा क्वेश्चन है, मुसोलिनी का जन्म कहाँ हुआ था? ये तो ये इसका जन्म जो है वो रोमांगना में हुआ था, और ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होता है, और इनका जन्म 1883 ईस्वी में हुआ था। चौथा क्वेश्चन है, गेहूं और चावल के उत्पादन में प्रथम राज्य प्रथम स्थान किसका है? तो प्रथम स्थान जो है विश्व में वो चीन का है, जबकि भारत का स्थान दूसरे पर है। फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, हीरा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो हीरा का सर्वाधिक उत्पादन जो है फ्रेंड्स वो अफ्रीका महाद्वीप में होता है। फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लिली का देश किसे कहा जाता है? तो लिली का देश कनाडा को कहा जाता है। तो लिली का देश किसे कहा जाता है? कनाडा को। अगला क्वेश्चन है, ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है? तो ग्रेनाइट सिटी एवरडीन स्कॉटलैंड को कहा जाता है। तो ग्रेनाइट सिटी ये काफ़ी एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, ग्रहों की गति के नियम का खोज कब और किसके द्वारा हुई थी? तो इसकी जो गति की खोज हुई थी वो 1600 ईस्वी में हुई थी, और इसकी खोज कैपलर वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। फ्रेंड, ये जो कैपलर वैज्ञानिक थे ये कहाँ के निवासी थे? तो ये जर्मनी के निवासी थे, ये जर्मनी देश के निवासी थे कैपलर वैज्ञानिक। दसवां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उत्तरी और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम क्या है? तो उत्तरी और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली नहर कील नहर है। फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है फ्रेंड, नील नदी का उद्गम स्थान, सही सुना फ्रेंड, नील नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो नील नदी का उद्गम स्थान विक्टोरिया झील है, ये इनका उद्गम स्थान है विक्टोरिया झील, और ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, आइनू कहाँ की जनजाति है? तो आइनू जापान की जनजाति है। फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, एस्किमो कहाँ की जनजाति है? तो एस्किमो जो है वो ग्रीनलैंड की जनजाति है, ग्रीनलैंड कनाडा की। अगला क्वेश्चन है, बोरो कहाँ की जनजाति है? तो बोरो जो है वो ब्राज़ील की जनजाति है। फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। उत्तरी ध्रुव की खोज जो है वो रॉबर्ट पियरे ने की थी 1909 में। और सोलहवां क्वेश्चन है, तीनों ओर से भारत का एकमात्र राज्य जो बांग्लादेश से घिरा है, तो इसका आंसर है त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर से गिलगित को जोड़ने वाली दर्रा कौन सी है? तो ये इसका आंसर है बुर्जिल दर्रा, जो श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, जे लेपला और नाथुला दर्रा कहाँ है? तो ये सिक्किम में बसा हुआ दोनों दर्रा है, जेपला और नाथुला। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का मानक समय कहाँ से गुजरता है? तो भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरता है। फ्रेंड, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप इन क्वेश्चन को ज़रूर देख लें। फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन है,
बांग्लादेश से नहीं मिलने वाले पूर्वोत्तर भारतीय राज्य का नाम क्या है? तो बांग्लादेश से नहीं मिलने वाले पूर्वोत्तर राज्य का नाम सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड है। 21वां क्वेश्चन है, मुंबई और चेन्नई को जोड़ने वाली राजमार्ग का नाम क्या है? तो ये NH7 है, जिसकी लंबाई जो है वो 1415 किलोमीटर है। फ्रेंड अगला क्वेश्चन है, NH8 नेशनल हाईवे 8 राजमार्ग किसे जोड़ती है? ये दिल्ली, जयपुर और मुंबई को जोड़ती है, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, रेलवे के एग्जाम में। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका आंसर है 47A, जो कि सिर्फ 6 किलोमीटर का ही है। फ्रेंड अगला क्वेश्चन है, बरेली किस नदी के किनारे है? तो बरेली जो है वो रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। फ्रेंड बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ आपके लिए। विजयवाड़ा, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी पर्वतीय नगर कहाँ है? तो कुल्लू घाटी पर्वतीय नगर जो है वो हिमाचल प्रदेश में आता है, जिसकी ऊंचाई 1250 मीटर है। फ्रेंड अगला और अंतिम क्वेश्चन है, पंचमढ़ी पर्वतीय नगर कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, मध्य प्रदेश में, जिसकी लंबाई जो है वो 1067 मीटर है। तो फ्रेंड ये वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी, और वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना फ्रेंड्स, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फ्रेंड मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।